आज मैं बिताने वाला हूँ 24 घंटे इंडिया के सबसे बड़े वाटर पार्क में। पर सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर है करीब 100 से भी ज्यादा खतरनाक राइड्स जो हम ट्राई करने वाले हैं, और देखना ये है कि हम पूरी रात यहाँ कैसे बिता पाएंगे। पर सबसे पहले कहानी शुरू होने वाली थी कुछ ट्विस्ट के साथ। भाई ऐसा सच में मजाक लग रहा होगा, पर मैं पहली बार अपने लाइफ में एक वाटर पार्क में आया हूँ। बहुत बोरिंग चाइल्डहुड रहा है क्या मेरा? यस सर, तो ऐसे मतलब ये था ना, PS4 खेलना, ये खेलना, वो खेलना, क्रिकेट ट्रैक्स जमा करना, ये सब तेरा चाइल्डहुड। मेरे सामने है, ओह माय गॉड, मेरे को सार्थक बोला है कि बाबा आपको उधर पानी पानी मिलेगा और अपने को तो पानी मिक्स करने का आदत दीजिए रे बाबा। भाई इतने सारे कार्टून्स में वाटर पार्क्स देखते हैं और ये इंडिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। हम तीनों में से आज एक बंदा वाटर पार्क में नहीं जा पाएगा। हम तीन लोग हैं तो हम मेजॉरिटी विंस करते हैं। जिसका हाथ या कलर अलग आया वो अंदर नहीं जा पाएगा। एक बार Boys, are you ready? Oh shit! Go attack! 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 Run! 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 Hurry! Hurry! अभी तो दिन बस शुरू हुआ है, हम ट्राई करेंगे आज पूरी रात भी इस वाटर पार्क के अंदर बिताने का। पर तब तक आई होप बॉयज एंजॉय कर रहे होंगे। भाई मैं लिटरली मम्मी पापाओं के साथ में बैठ के अपने दो लड़कों को मजे करते हुए देख रहा हूँ, एकदम एक पापा की तरह। कहीं सारों में से तुम्हारी पहली राइड हो गई, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया, रिफ्रेश एकदम, एनर्जी आ गई, एनर्जी। मेनी ऑफ वन या नो शिट। इसके बाद वाले में चले दो लोग का क्या? चार लोग आए। तो गाइस इधर एक लड़की है और बाबा को उसको बहुत पसंद आ गई है। तो बाबा एकदम अच्छा एक्ट करने का ट्राई कर रहा है, कैमरा वैमरा बंद कर दिया, एकदम अच्छे से एक्ट कर रहा है, छपरी एक्ट नहीं कर रहा है। अरे झूठा भाई, हमारे पास ये एक्सप्रेस बैंड है जिससे कि हम लोग बिना किसी लाइन में रुके जो राइड चाहिए सीधा घुस जाते हैं। आई एम श्योर कि जो बॉयज है वो अपनी वाटर पार्क में राइड जैसे ही एंजॉय कर रहे होंगे। कितना रुकना पड़ रहा है तुमको? पर भाई जो नेक्स्ट राइड है उसमें तुम्हारी पक्का फटने वाली है। क्यों? तुम्हारी जो नेक्स्ट राइड है वो तुम्हारे पीछे है, टर्न। इसमें तो मैं नहीं जा रहा, कभी नहीं जा रहा इसमें, हट। इतना ऊपर से आ रहा है, ऐसा लग रहा है बुर्ज खलीफा से स्लाइड निकाल दी है। भाई बच्चे भी कर रहे हैं, तुमको करना तो पड़ेगा। चल भाई इको कर, इको पे आ, इको कर। वन ब्रो वन लाइफ। Life changing experience. Life changing, life changing. Bro is a pro. भाई मुझे अगले वीडियो में कोलगेट का स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। Bro, भाई ये मुझसे भी बड़ा है। अबे चबाऊ कहाँ, समझ ही नहीं आ रहा। Whoa, this shit's crazy, man. भाई इसको आप क्या बोलते हो, कॉटन कैंडी या फिर बुढ़ी के बाल? Damn bro, no, no. Experience. The fucking monster. एक साथ पूरा खा ले। Oh shit. Oh shit. पर अब पूल के पास कुछ ऐसा होने वाला था जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। भाई जाके उस स्टेज के ऊपर नाच। बचपन से सपना रहा है मेरा, बचपन से कि मैं स्टेज में करके डांस करूं। आज मैं करने वाला हूँ। फिलहाल तो स्टेज पे चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, दो लोगों की मदद के बाद स्टेज पे फाइनली चढ़ पाए और थोड़ा बहुत नाच भी लिए। पर फिर मेरे लिए कुछ सरप्राइज था। कौन सार्थक सर थे भाई? भाई ये बंदा पागल है भाई, ये क्या बंदा। और देखते ही देखते आधा दिन खत्म होने आ गया था। और इसी वाटर पार्क की दूसरी तरफ एक अम्यूजमेंट पार्क भी था, पर वहां जाने से पहले हमने सोचा थोड़ी पेट पूजा करने का। भाई इस वाटर पार्क के अंदर ये पीछे पूरा लंच का बुफे है हमारे। वाटर पार्क तो बहाना है, इसे तो खाना है।
भाई इतना ज्यादा ठूस दिया है ना, अभी अम्यूजमेंट पार्क की कोई भी राइड पे जाऊंगा ये सब गिरने वाला है नीचे। पता नहीं पीछे से गिरेगा या आगे से बस गिर जाएगा। छी भाई खाते क्या बात कर रहा हूँ। और आपको हमारे एक सदस्य मिसिंग दिख रहा होगा वहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी निकालने चला गया। बहुत ठूस दिया, अभी अम्यूजमेंट पार्क पे जाऊंगा ऐसे। शाम के 5:30 बज चुके हैं, मैंने अभी तक एक भी राइड नहीं की और मेरे सामने अब मैं देख रहा हूँ कि क्या मुझे ये अम्यूजमेंट पार्क की राइड करनी चाहिए। डैम जाना है भाई, दिलों में अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। इतनी बड़ी और एडवेंचरस राइड्स देख के मेरी तो पूरी तरह से फट चुकी थी। अभी तेरी फटने वाली है, मेरे दिन की पहली राइड है। और मैंने कुछ ऐसी राइड्स का एक्सपीरियंस लिया जिन्होंने मेरे होश ही उड़ा दिए भाई। क्या था भाई ये? 3 बार हम उलट पुलट हुए, क्या एड्रेनलिन रश आया बॉडी में। पता है ना उसका मतलब क्या होता है? नहीं पता। क्या बच्चे हो यार। भाई कितनी खतरनाक राइड्स होती है यहाँ पर। पर अगले 30 मिनट में ये पूरा अम्यूजमेंट पार्क खाली होने वाला है। और अब राइड्स एंजॉय करने की बजाय मैंने सोचा अंधेरा होने से पहले अपना प्लान तैयार करने का। छानबीन मारते हम कहाँ रह सकते हैं। वाटर पार्क को पूरी तरह से परखने के बाद मैंने एक कोना चुना जहाँ पर कोई नहीं था और हम वहीं पर बैठे रहे जब तक पूरी तरह से अंधेरा ना हो जाए। और देखते ही देखते लोग निकलते जा रहे थे और फिर कुछ देर बाद सिक्योरिटी भी निकलने लग गई थी। और बस मौके का फायदा उठा के हम लोग रात के 11 बजे तक वॉशरूम के अंदर छुपे रहे। हम लोग बाथरूम में रह गए और सिक्योरिटी फुल बारी चली गई। भाई हम लोग अब ऑफिशियली अकेले हैं पूरे वाटर पार्क के अंदर। और बैड न्यूज़ ये है कि बादल गरज रहे, बूंदे भी गिर रही है, पता नहीं कैमरा में दिख रही है कि नहीं। बारिश हो गई तो हम फंस गए। एक शेल्टर ढूंढ लेते हैं यार, शेल्टर। कंटिन्यूस थंडरिंग चल रही है और बारिश। भाई मेरे को ये हॉन्टेड वीडियो बनाने का ना भाई। अरे कुछ नहीं, चलो चलो भाई, मेरा कोई प्लान नहीं ऐसे एक हॉन्टेड वीडियो बनाने का। और जो नहीं चाहिए था वही हुआ, बहुत तेजी से बारिश शुरू हो गई और हम चले गए नजदीकी शेल्टर के अंदर। ब्रो नो वे भाई, भाई अब हम फंस गए, मेरे को हंसी की बारी है पर हम फंस चुके हैं। तूफान आ गया है, पूरी तरह से कंफ्यूज है यहाँ पर, हमें कोई आइडिया नहीं है करना क्या है। भाई तू शूट क्या कर रहा है, बैटरी नहीं है, सुबह क्या करेंगे। फोन्स की बैटरी खत्म हो गई थी, तेज बारिश शुरू हो गई थी और हम एक वाटर पार्क के बीचों बीच रात में थे, इससे बुरा और क्या हो सकता था। 11:53 हो चुके और मेरा गाना भी आपको दिख रहा होगा, मैं कौन से गाने को सुन रहा था क्योंकि मूड ही ऐसा बन गया था। 40 मिनट के लिए इतनी जोरों से बारिश और अब जाके बारिश रुक गई है। शुरू करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पे रुके, देखते हैं रात में ये वाटर पार्क कैसा दिखता है। बादल अभी भी गरज रहे, बारिश किसी भी वक्त वापस आ सकती है, पर हमने शेल्टर ढूंढ लिया जहाँ पे हम अंदर अब बिना भीगे रह सकते हैं। इतनी बारिश, सुहाना मौसम, पकौड़े और चाय मत मांगना भाई। भाई कैसा लग रहा है बचपन की हमारी सबसे फेवरेट जगह पे अकेले रात में 12 बजे घूम के? चलो बैठ जा, मैं तुमको छोड़ देता हूँ, कहाँ जाना है भाई, उसमें तो सीट गीली होगी ना। रात में इसे सुनसान और शांत देख के काफी अजीब लग रहा था। हम रात के 12 बजे पूरे वाटर पार्क में अकेले घूम रहे। भाई आइसक्रीम खाना तो बनता है यार, आइसक्रीम शॉप है पर हम कुछ ले नहीं सकते इसमें से। पूरा दिन यहाँ पर इतनी भीड़ थी और आधी रात में यहाँ पर अकेले घूमकर काफी अजीब लग रहा था, इतना कि हम लिटरली रिस्ट्रिक्टेड एंट्रीज में भी घुस जा रहे थे। और जो चीजें दिन में इतनी खुशहाल दिख रही थी अब रात में हॉन्टेड लगने लग गई थी। पटरी अंदर जाने में पटरी है भाई, मुझे अंदर कुछ दिख रहा है, कुछ ज्यादा स्पेशल चीज भाई। पूरा रेस्टोरेंट बंद है और सिर्फ एक ही चीज चमक रही है जो मुझे भी चमकती दिख रही है, वो पार्टी है यार। तो अनलिमिटेड ड्रिंक्स के साथ पूरा फ्रिज था पर ताला लगा हुआ था। भाई अब हम उस राइड पे बैठेंगे जहाँ पे इस एज में हमें बैठने मिलता नहीं है, पर हम रात में हैं तो कौन ही है रोकने के लिए। यहाँ पे सुबह आने दीजिए क्योंकि हम ओवर एज, मतलब मेरी हाइट से तो मेरे को अभी भी एंट्री है पर फिर भी थोड़ी दाढ़ी है ना, है ना भाई, थोड़ी तो दाढ़ी। बचपन के बाद अब इस घोड़े की राइड पे बैठने मिल रहा था। सुबह भी शायद मैं इसी सीट पे बैठा था। अरे भाई तू ये डर गया मैं। भाई मेरे को ये नहीं पता यहाँ पे नींद कैसे आने वाली है मुझे, और तू यहाँ पर सुस्त हो चुके हो पूरी तरह से। बहुत आलसी यार, बहुत नींद आ रही है। लाइफ में सिर्फ दो चीज चाहिए, खाना पीना और सोना। ये तो तीन हो गए। खाना पीना सेम होता है, खाने में पीना होता है ना, समझो यार। अच्छा वैसे ही क्या, जैसे बेटर एंजॉय में आपको अम्यूजमेंट पार्क के साथ वाटर पार्क फ्री मिलेगा या वाटर पार्क के साथ अम्यूजमेंट पार्क फ्री मिलेगा, तो आओ आओ जल्दी, आओ जल्दी मजे करो। भाई जितना ज्यादा रंगीला ये वाटर पार्क दिन में था, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, अभी कितना ज्यादा अंधकार हो गया है। एक मिनट दिखाता हूँ, ऊपर जा।
सारी लाइट्स बंद थी और पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था और चांद भी आज लाल था, पर उसी बीच हमें दूर से लाइट ब्लिंक होते हुए दिखी। इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए हम उसी शेल्टर में वापस लौट गए। 1:30 बज चुके हैं रात के, ये जो अंदर जगह है इसने हमें बारिश से बचाया है। हम सोच रहे हैं अगले 4 घंटे के लिए यहाँ सोने का, 5 बजे के आसपास उठ जाएंगे ताकि हम यहाँ से सही से निकल पाए। तो फिर जो चेयर्स और टेबल्स पड़ी थी उसे ही रात के लिए हमने अपना बेड बना लिया। लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि रात में एक वाटर पार्क एक्सप्लोर करूंगा और वहीं पर रात बिताऊंगा, और ये भी नहीं सोचा था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के इतना नजदीक होऊंगा, और ये भी नहीं सोचा था कि कभी यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा। और हाँ, भले ही थोड़ी शैतानी थी पर बाद में यही सब एक्सपीरियंस याद आएंगे। पर फिलहाल अगला वीडियो सही सलामत बनाना है तो जल्द से जल्द बैग लेके हम गेट के बाहर चुपचाप निकल गए। और विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं पूरी रात यहाँ बिता चुका था, पर कमेंट करो अगर आप भी मेरे अगले वीडियो का पार्ट बनना चाहते हो।